हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह और 14 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर लो क्योंकि इसी दिन दोपहर की 2:35 पीएम को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। और इस बार इंटरेस्टिंगली इसका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग कराना होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था मगर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग, इस करेंट मिशन पर वो कुछ ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उनके लैंडर को कोई डैमेज न हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल के जांच जल्द से जल्द शुरू कर पाती है तो भारत पहला देश बन जाता है जो उस डेटा से पृथ्वी की जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाएगा। सो अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान 3 कैसे करेगा, इसके पास ऐसे कौन से सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर मिशन के कोर ऑब्जेक्ट के अलावा क्या क्या कर सकता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम ज्यादा क्रेटर्स है। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन। सो यहाँ पर देखे, जैसे आप देख सकते हो पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट के पास स्पेस एजेंसी है जिसमें से 11 गवर्नमेंट ही सक्सेसफुली मून मिशन की है, बट सिर्फ 3 ऐसे कंट्री हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है उन पर, जिन पर 5 कंट्री ने स्पेस मिशन की है जिनमें से 2 कंट्री सक्सेसफुली लैंड किया है, यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जहां पर एवरेज स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ लगता है, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिनों में पहुंच जाता है। अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट हो जाता है तो इतने कम समय में उसे मैनूवर करने में, यानी कि कंट्रोल करना और उसके पाथ को कैरेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है तो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाता है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेट टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टीमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट का स्पीड 20,000 किलोमीटर है तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है, अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में टच डाउन स्टार्ट कर भी दिया तो बाकी चीजें जो लैंडर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर का स्पीड स्लो कर देता है, और इसलिए मार्स पर लैंडर के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर न होने के वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर लैंडर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करता है उससे मून की लू सोइल उड़कर डेलिकेट सेंसर में इंटर करने का खतरा बढ़ जाता है जो मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इस दिक्कतों के ऊपर पिछले बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर करना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर न स्पेसिफिकली मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैली और माउंटेन्स हैं। सो लैंडर के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना ये अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ट्रांस्टिकली फ्लक्चुएट होता है क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 28 डेज लगता है, जिससे 2 हफ्ते तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल, वेल साउथ पोल इन दोनों रीजन का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत कुछ इस ग्लास की जैसा हो सकता है। इसमें आप देख सकते हो गर्म पानी डालते ही
ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर की पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट चलो अब इस सभी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए लेट से इसरो लूनर सरफेस पर अपना लैंडर लैंड भी करता है, फिर भी इसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा रहता ही है। तो देखो शायद आपको पता नहीं हुआ, चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है, जब दिन भी होता है सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए एरियास में तो मून के फाउंडेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल कैसे काम करेगा? बस इन्हीं सब रीजन लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय न मिलना, डस्ट से सेंसर खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्ड टेम्परेचर की मार और कम्युनिकेशन टूटने की वजह से कई बार लूनर साउथ लैंडर फेल हो जाते हैं। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसा यूनिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है कि उस अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस न के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां न क्रेटर्स है, न माउंटेन से भरा हुआ अनइवन सरफेस और न ही ट्रांसिटली अनइवन टेंपरेचर। ऑल्सो जब चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ तब सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा, सो डेट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाएगा। इससे होगा ये कि मून की तरफ किसी सीलिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिसे चंद्रयान 3 में मिशन के इनिशियल फेज में ज्यादातर फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके बाद लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोच रखा है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्ट लूनर सरफेस पर लैंड नहीं कराएगा क्योंकि इससे थ्रस्टर बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकता है और इससे सेंसर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। सो चंद्रयान 3 अपने स्पीड को लैंडिंग से पहले ट्रांसिटिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। ऑल इन वन सिर्फ इन दो स्टेप यानी कि ऑर्बिट मैनूवर और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर के पहले 3 रीजन को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, विच इज कम्युनिकेशन इश्यूज। इसके लिए चंद्रयान 3 चांद के सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं, और वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उसे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल रिले करवाने वाला है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तब हम देख सकते हैं कि इसके डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल, जिसका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर जितना है और कुल मिलाकर इस स्पेस क्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलोग्राम जितना है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटल नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करें, क्योंकि चंद्रयान 2 की ऑर्बिटल हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब एक बार ये सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया उसके बाद लैंडर से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंडक्ट ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि LIBS से मून के सोल में पड़े केमिकल कंपाउंड को एक्साइड करेगा। इसके लिए उन केमिकल में से अलग अलग वेव लिंक अल्फा एक्सरे निकलेंगे जिन्हें रिवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फिर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा कि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपने साइड से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगाएगा और इतना थिन क्यों है इस मिस्ट्री को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मून पर 9 के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को ये लगता था कि मून पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रिसेंट स्टडी से मालूम चला है कि मून के 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक थिन चार्ज पार्टिकल से भरा हल्का सा एटमॉस्फेयर लेयर है और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन किसी को अब तक मालूम नहीं है। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभाव और चेष्टा इन सेंसर की मदद से मून के आयनोस्फेयर के हीट कंडेंसर प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थ क्विक डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर एल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है और इसमें LP सेंसर भी लगाया गया है जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव को डिटेक्ट करेगा, जो ये पता लगाया कि मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से सूरज के पावरफुल रेडिएशन
रोटेशन का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोजिशन का। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात, इसरो ने प्रोपल्सर मॉड्यूल को 2-in-1 जैसे इस्तेमाल किया है। फाइनली उन्होंने इस पर सेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपाउंड को स्टडी कर सकता है। देन डिटेच होने के बाद प्रोपल्सर मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेज और डेटा इंटररप्शन न हो इसके लिए रोवर और लैंडर से आया हुआ इंपोर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना की ओर रिले करेगा। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप है क्योंकि इससे हमें किसी और देश की रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बार हो चुका है कि इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्री चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए ना तो ये हमारे मेन मिशन का फाइनल स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल डिफिकल्ट टेरेन पर लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन की तरह इंडिया एस्ट्रोनॉट को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। बट खैर गगनयान मिशन के लिए अभी टाइम है, फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी प्रैक्टिकली करके दिखा सकता है। क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए देखा गया है कि वहां आइस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल काफी ज्यादा है और वहां से क्रिएटर के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहां पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, वही कि अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सट्रीमली हॉट मोल्टेन कोर हो, मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाए तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना था। ऑल इन ऑल अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो इससे पृथ्वी की इतिहास के कई पहलियां सुलझ जा सकती है। और सबसे मजेदार बात तो ये होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। बस सिर्फ गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट न हो जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नासा 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और फिर भी सिर्फ 11 सालों में ही वो इंसानों को चांद पर पहुंचा चुका था, जबकि लगभग उसी समय में बना हुआ इसरो अपने टाइट बजट के चलते आज तक ये अचीव नहीं कर पाया। अगर इसरो के पास भी टाइट बजट होता तो हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंच चुके होते और शायद हमने और भी काबिल मिशन अंजाम दिया होता। तो गाइस अगर आपका डिमांड आता है कि कैसे नासा इतना आगे चला गया और इसरो पीछे रह गया जबकि दोनों स्पेस एजेंसी एक साथ एस्टेब्लिश हुआ था, अगर आपका डिमांड आता है तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं आपको डीपली ये बताऊंगा कि नासा इतना आगे कैसे चला गया जबकि दोनों स्पेस एजेंसी एक साथ एस्टेब्लिश हुआ था, अगर आपका डिमांड आता है तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और गाइस अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और अनस्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और साइंस से रिलेटेड वीडियो आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज गाइस डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।